है शूट आउट एट बराला की सक्सेस पार्टी का। जी हाँ, पिछले फ्राइडे रिलीज हुई मल्टी स्टारर फिल्म शूट आउट एट बराला की सक्सेस पार्टी हो ही गई संडे की शाम, जहाँ पहुँचे ये सारे स्टार्स बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ द फिल्म सक्सेस। This was not all, क्योंकि शूट आउट एट बराला के स्टार्स के लिए ये पूरा वीकेंड रहा काफी इवेंटफुल। स्टार्टिंग विद दिस पोस्ट रिलीज प्रमोशन, जिसके लिए सैटरडे को जॉन इब्राहिम पहुंचे मुंबई के एक थिएटर में टू विटनेस ऑडियंसेस रिस्पॉन्स टू द फिल्म। और कैसा था ऑडियंस का ग्रैंड रिस्पॉन्स, ये आप खुद ही देखिए। मैंने कहा था एक टाइम पे कि लोग जॉन इब्राहिम को भूल जाएंगे, से मनिया सुर्वे को याद रखेंगे। दरअसल जॉन पहुंचे थे मुंबई के गेटी गैलेक्सी सिनेमा पर अपने डायरेक्टर संजय गुप्ता के साथ, और यहां ऑडियंस के इन सुपर पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज को देखकर जॉन वाज ऑन क्लाउड 9। हमेशा यही कहता आया हूं कि द ऑडियंस इज माय गॉडफादर, और आज शूट आउट एट बराला के साथ ये ऑडियंस ने प्रूव किया है और मैंने ऑडियंस को प्रूव किया है, तो बस आई एम वेरी हैप्पी। In fact, the response was so good that John was a bit afraid of getting mobbed. पूछा अभी मुझे बाहर जाना है, अभी टाइम क्या है पता नहीं। It's 9:30. उन्होंने कहा कि 11 बजे तक यहीं पे रुको। तो आप ऐसे कर दीजिए कि लोगों को ऐसे डाइवर्ट कर दीजिए कि वो उस तरफ से नहीं। मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि honestly मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में आई रियली बिलीव कि माई बिगेस्ट गॉड फादर आर दीज पीपल, जो यहाँ पे आके फिल्म देखते हैं, उनके वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट, यू नो यू विल गेट मॉब्ड। वो मॉबिंग थोड़ा होता है, वो पिंच करते, थोड़ा स्क्रैच करते लगता है मुझे से, या दे स्क्रैच अवे, लेकिन वो ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ लव, आई लाइक इट। इट्स बेटर देन getting written about badly sometimes. It's better to get scratched out of love. But all said and done, John managed to make a safe and quick exit without any pinches and scratches. Well, John Ibrahim जहाँ शूट आउट एट बराला का रिएक्शन जानने के लिए रियल ऑडियंस के बीच पहुँचे थे, तो वहीं ऑन द अदर हैंड हिज को एक्टर्स तुषार कपूर एंड सोनू सूद मेड वे टू मुंबई हाजी अली दरगाह शूट आउट एट बराला की सक्सेस के लिए शुक्रिया अदा करने। खुशी हमें इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा और तुषार का जो सीन भी था दरगाह का सीन, वो हमने शुरुआत इसी जगह से की थी। और माना था कि अगर बोला था कि अगर वो सीन पसंद आएगा लोगों को, फिल्म चल जाएगी, तो हम वापस आएंगे इधर थैंक्स बोलने के लिए। हाँ, तो आज यू नो आई थिंक वो दिन आ गया कि फाइनली हम लोग यू नो खुदा का यू नो शुक्रिया अदा करने आए हैं कि यू नो फिल्म को इतना कमाल का रिस्पांस मिला है। और इनफैक्ट पहला सीन हमारा यहीं पे शूट हुआ था। दोस्ती का कोई मजहब नहीं होता, एक सच्चा मुसलमान दोस्त के लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। तो मजहब तो दुश्मनी का भी नहीं होता, खुदा के इस घर से निकलते ही खुदा के उस घर जाने को भी तैयार हो जा। सॉरी। यानी सोनू और तुषार ने तो फिल्म की रिलीज से पहले ही हाजी अली आने का मन बना लिया था। वैसे हमें लगता है कि थिएटर्स में फिल्म को ऑडियंस का पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, और इसकी उम्मीद तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं की होगी। जैसे पहला ट्रेलर रिलीज किया गया था हमने जान में, तो अंदाजा तो था ही कि लोग देखने जरूर जाएंगे, लेकिन इतना पसंद करेंगे, इतने अच्छे रिव्यूज भी आएंगे क्रिटिक्स के, वो आइडिया नहीं था मुझे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो विसल्स होती है ऑडियंस की और जो क्रिटिक्स के स्टार्स होते हैं, वो दोनों साथ साथ कभी नहीं आते। और आई थिंक बटाला ने वो विसल्स के साथ जो स्टार्स लेके, आई थिंक दैट्स वेरी एनकरेजिंग कि यू नो क्रिटिक्स को भी पसंद आई है और ऑडियंस को भी पसंद आई है। उम्मीद करते हैं सोनू की 24 करोड़ के वीकेंड कलेक्शंस के साथ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग कर चुकी आपकी इस फिल्म को मिल रहा ये रिस्पॉन्स कायम रहे। बस हम यही कहना चाहेंगे कि दुआ में याद रखना। और जितना मजा हमें गोलियां चलाते हुए स्क्रीन पे आया हुआ है, उतना ही आप सीटियां बजाते हुए मजा लें थिएटर में, और यू नो और सक्सेसफुल करें बराला को। वेल, कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा शूट आउट एट बराला के स्टार्स के लिए ये पोस्ट रिलीज वीकेंड। बट अगेन, फिल्म की हीरोइन कंगना रनौत इस बार भी कहीं नजर नहीं आई।